आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए, देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब पर लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं आज जो हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, अप्रैल 16, 2019, 2:23 हैं और अभी जो करंट भाव चल रहा है 25 रुपये 25 पैसे पे 1 रुपये 60 पैसे की बढ़त, यानी 6.98% की अपसाइड पे। और देखिए वॉल्यूम देखिए कितना ज़बरदस्त है, वॉल्यूम ज़बरदस्त, ट्रेडिंग ज़बरदस्त ट्रेड हो रहा है। तो मैं इसको अभी देखिए हाल ही में लिस्ट हुआ तो इसका 52 वीक जो लो है, मैं बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली 11 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग हुई है। और ये चार्ट पे हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे 18 रुपये 60 पैसे का जो लो बनाया है, तो 11 रुपये की जब इसकी लिस्टिंग हुई तो ओपन हुआ 19 रुपये पे और क्लोजिंग हुई 19 रुपये 5 पैसे पे। उस दिन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इसमें ट्रेड नहीं हुआ ज़बरदस्त। और फिर 12 अप्रैल को भी सेम ओपन हुआ 19 रुपये 20 पैसे पे और क्लोज़ हुआ 19 रुपये 75 पैसे पर। लेकिन फिर 2 दिन मार्केट बंद रहने के बाद सैटरडे संडे 15 अप्रैल मंडे को ओपन हुआ 19 रुपये 95 पैसे पे और क्लोज़ हुआ 23 रुपये 65 पैसे पे, यानी कि 20% का वो भी सर्किट लग गया था, 20% की अपसाइड पे 23 रुपये 65 पैसे पे। और आज जो भाव चल रहा है उसने हाई जो बनाया 26 रुपये 95 पे 16 अप्रैल को आज के दिन, और अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है करंट में BSE पे 25 रुपये 25 पैसे पे। तो इसमें अचानक ये जो गवर्नमेंट की कंपनी है, रेलवे मिनिस्ट्री का जो कंपनी है, अब ये करती क्या है, हम पहले साइट पर नज़र इसके बारे में, पहले इसके बिजनेस मॉडल के बारे में जान लें। रेल विकास निगम लिमिटेड इस कैरिंग आउट प्लानिंग डेवलपमेंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एक्सक्यूजन ऑफ रेलवे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ऑन फास्ट ट्रैक। प्रोजेक्ट्स टू बी एक्सक्यूटेड बाई RVNL आर असाइंड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। प्रोजेक्ट्स ऑफ अदर सेंट्रल मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट्स एंड CPSC इज ऑल्सो असाइंड टू इट। पावर्स हैव अकॉर्डिंगली बीन डेलीकेटेड टू RVNL टू फैसिलिटेट प्रोजेक्ट एक्सक्यूजन। RVNL expenditure is largely dependent on the budgetary allocations by the Ministry of Railways. Projects are also being funded by EBR, IRF, FC, ADB loan, etc. through Ministry of Railway. तो अभी आप समझ गए होंगे कि जितने भी रेलवे के इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, ट्रैक बिछाना हो, इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हो, ब्रिजेस बनाने हो, ये इस कंपनी का काम करना है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RVNL टू ब्रिज द इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट ऑन इंडियन रेलवे, द देन प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी अनाउंस नेशनल रेलवे विकास योजना ऑन 15 अगस्त 2002 इन हिज एड्रेस फ्रॉम द रेड फोर्ट। NRVY वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड बाई ऑनरेबल PM ऑन 26 दिसंबर 2002। तो चलिए मैं अभी इस बहुत डिस्क्रिप्शन में नहीं जाता क्योंकि वेबसाइट में बहुत कुछ लिखा हुआ भरा पड़ा, लेकिन मुद्दे पे आते हैं कि आज ये जो इस भाव पे ट्रेड कर रहा है, अब आगे के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि जिन जो ने IPO में लिया था है ना उसमें, तो अब उनको क्या करना चाहिए, खुदरा निवेशक को क्या करना चाहिए। और क्योंकि अभी जिस प्रकार से कल 20% का अपर सर्किट लगा और आज भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में इसमें क्या हमें ख़रीदारी करनी चाहिए, या अगर ख़रीद लिया तो क्या बने रहना चाहिए या थोड़ा वेट करें। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। फिलहाल सेंटीमीटर में 67% कह रहे हैं बाई, 16% कह रहे हैं सेल, 8% होल्ड। 5,285 करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू है 18 की, 18.82 की, प्राइस टू बुक है 1.35 की, और फेस वैल्यू 10 की है। और डिलीवरी जो है 31.91% की डिलीवरी भी अच्छी खासी है इंडस्ट्री पी 25 की। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने कई कमेंट्स पढ़े, कई रिएक्शंस मैंने लोगों के देखे, तो उसमें कुछ लोग कह रहे हैं नो डाउट गवर्नमेंट की कंपनी, PSU सेक्टर है, PSU कंपनी है, सेक्टर नहीं सॉरी। और तो ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त इसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बैलेंस शीट भी हमने अगर जो कंपनी तो बहुत दिन से काम कर रही है, लिस्टिंग अभी हाल ही में हुई है,
तो ऐसे में जो ट्रेडर्स हैं, जो इंट्राडे वाले हैं, अगर आप समझते हैं, है ना, जो उन लोगों ने ज़बरदस्त इस पे जो है काफ़ी इसमें वॉल्यूम ट्रेडिंग की है, जिस वजह से ये स्टॉक ज़बरदस्त अपसाइड भागा है। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भैया ये जो 50 रुपये के नीचे जब तक है तब तक ये अंडर वैल्यू है। तो क्या वाकई अंडर वैल्यू, क्योंकि बहुत सारे डाटा, बहुत सारे अभी इसमें कुछ भी पास्ट इसकी हिस्ट्री किसी भी साइट्स में इतनी ज़्यादा है नहीं। न्यूली लिस्टेड कंपनी है, इसकी वेबसाइट पे जो कुछ है हम देख सकते हैं। और इस पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आने वाले समय में जब नई गवर्नमेंट आएगी तो इसमें बहुत सारे, हालांकि इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स के, आने वाले समय में भी और भी प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया का, रेलवे का चलता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो कंपनी का काम तो ज़बरदस्त है, बिजनेस मॉडल। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 120 रुपये पहुँच जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 75 पहुँच जाएगा विदिन 1 साल। 19 रुपये जिस हिसाब से भागा था और अभी आज 25 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं क्या ये नीचे आता है, क्या इसमें बाइंग वो सेलिंग प्रेशर आएगा या फिर क्या होगा, अभी देखने वाली बात है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो PSUs कंपनी होती है उनमें मल्टी बैगर, तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई मल्टी बैगर बनेगी, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाए कि अभी आपको 1 साल में ही कई गुना कमवा दे, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है इस कंपनी से। क्योंकि अभी ये वॉल्यूम की वजह से थोड़ा सा भाग रहा है ऊपर, और इसमें ज़बरदस्त लोग इंट्राडे वाले भी घुसे पड़े हैं। तो ऐसे में एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, कि अगर जो IPO में बन लिया था जिन्होंने उस समय घुसे थे, जो इसकी लिस्टिंग प्राइस थी, नो डाउट अभी उनको तो काफ़ी मुनाफा है, लेकिन वो चाहे तो बने भी रह सकते हैं, या फिर नए निवेशक थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि थोड़ा सा और नीचे आए। मुझे लगता है कि अभी जब ये मामला शांत हो जाएगा तो थोड़ा सा नीचे भी आने की गुंजाइश है। और नई ख़रीदारी के लिए फ़िलहाल तो मैं इसमें अभी फ्रैंकली अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल, बहुत सारा कुछ अभी नहीं देख पा रहा हूँ। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें कि ऐसे में क्या करना चाहिए, लेकिन कंपनी एक ज़बरदस्त है और अभी छोटी प्राइस पे ही है। अब अंडर वैल्यू है या वेरी एक्सपेंसिव पे है, ये भी हम बहुत जल्दी होगा बताना। तो जैसा आप चाहें वैसा आप फ्री हैं। मेरा सिर्फ एक काम था कि अभी फ़िलहाल इस स्टॉक के बारे में बहुत लोगों को नहीं भी पता हो सकता है, तो एक इन्फॉर्मेशन देना था। और मुझे भी थोड़ा सा ये प्राइस ज़्यादा ही, क्योंकि 2 दिन में इतना ज़्यादा पहुँच गया, तो नीचे भी आना चाहिए। अगर आपको नीचे लेवल पे 19 रुपये या 18 में या 16 में मिले, तो ऑब्वियसली आप ज़बरदस्त ख़रीदारी कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये 20, 19 या ऐसे आना चाहिए। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, यह शेयर मार्केट है और इसमें किसी का भी अनुमान कुछ भी हो सकता है कि ऊपर भी भाग जाए। तो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बाज़ार का भी जिस हिसाब से रुख आप देख रहे हैं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कभी एक हफ्ते ऊपर जाती थी, कभी एक हफ्ते नीचे आती थी, कभी 15 दिन ऊपर जाती थी, कभी पिछले 1 साल से, पिछले कुछ महीनों से, और फरवरी में तो काफ़ी। लेकिन जिस हिसाब से अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स की खरीदारी हुई है, मार्च में ही तकरीबन 45,000 करोड़ की जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आया है अपने शेयर मार्केट में, और इस मंथ में भी फिलहाल अभी तक अप्रैल में भी 10-15 हज़ार करोड़ की बाइंग हो चुकी, तो सेंसेक्स काफ़ी ठहराव है, काफ़ी ऊपर है। और ऐसे में सारे स्टॉक्स नो डाउट अच्छा कर रहे हैं प्रदर्शन, जो अच्छी अच्छी कंपनी के हैं। और Q4 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं बाकी कंपनियों के, तो उनके भी, जिस कंपनी के थोड़े से नेगेटिव में आएंगे तो थोड़ा झटका उन पर भी लगेगा, जिनके प्लस में रहेंगे ऑब्वियसली अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो मेरा काम था आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देना जो अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, रेल विकास निगम लिमिटेड। सोच विचार कर इसमें आप अपना कदम उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।